लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 18 और 22 साल की उम्र के लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि 10 साल पहले देश के क्या हाल थे। आज कहीं भी उम्मीद दिखती है तो वो भारत में दिखती है। एक समय था जब हम खेलों में कहीं नहीं थे, आज कई उपलब्धियां हमारे खाते में है। आज भारत चांद पर है, दुनिया का तीसरा स्टार्टअप क्षेत्र भारत में है, आज हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है और देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। मोदी जी ने कहा कि मुझे अपने युवाओं पर बहुत विश्वास है, जहां एक और उन्होंने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की, भारत के युवाओं की क्षमता को और पंख लगाए और बल दिया और भारत के युवाओं ने भी 1,20,000 स्टार्टअप्स की शुरुआत कर दी। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया, 110 यूनिकॉर्न बन गई। एक यूनिकॉर्न का मतलब है एक की कीमत, एक की वैल्यू कम से कम 8,500 करोड़। कम से कम ऐसी 110 कंपनियों ने लाखों करोड़ भारत के लिए जनरेट करवाया और लाखों लोगों को रोजगार दिलाया। लेकिन साथ ही साथ आज जो आप गूगल मैप देखते हो, गूगल सर्च करते हो, अगर ये आज से 30 साल पहले किसी सरकार ने कर दिया होता तो गूगल की ओर ना देखना पड़ता, भारत की ही कोई स्टार्टअप होती, आप में से कोई युवा होता जिसकी अपनी कंपनी आज की शुरुआत होती। वो अवसर उस समय नहीं मिला, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वो अवसर दिया और भारत के युवा ने मात्र 6 महीनों के अंदर विक्रम एस करके रॉकेट को लॉन्च कर दिया और सफल लॉन्च उसकी की है, तो भारत के युवाओं ने अपनी ताकत एक बार फिर करके दिखाई।